चलो डीमार्ट में ओपन कर लेता हूँ। दूसरा क्या है, धीमे धीमे जैसे जैसे आपने अलग अलग एग्जांपल आएंगे करोगे ऑटोमेटिक ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। या डीमार्ट आपके सामने कही है सर, डीमार्ट का 5 साल का ही डेटा है हमारे पास। राइट, तो डीमार्ट के वॉल्यूम किधर से आते हैं सर? डीमार्ट का वॉल्यूम आता है आपका रिटेल में है बेसिकली। हाँ, मतलब इनके वॉल्यूम के लिए क्या डेटा लेने के, स्टोर डेटा है ना। इनके जितने स्टोर नए नए ओपन होते जाएंगे उतना इनको धंधे में ग्रोथ मिलेगा, बराबर है। अच्छा, तो जब भी आप कोई डिपार्टमेंट स्टोर जैसी कंपनी पे काम करो तो दो चीज होती है, एक तो स्टोर होता है, वन स्टोर एंड सेकंड इज स्क्वायर फिट, कितने स्क्वायर फिट का एरिया इन्होंने कवर किया है। दो में से कोई भी एक डेटा ले लोगे तो आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी। कोई साल अगर इनके स्टोर कम खुलेंगे तो इफेक्ट किधर आएगी सर, धंधे में आएगी, राइट। तो वो डेटा एक लेने का, देखो मैंने आज ही आप लोगों के साथ यहाँ पे डीमार्ट शेयर किया था, मैंने भी इसमें काफी डेटा अलग अलग डाले हुए। देखिए मैंने भी 2002 से स्टोर के डेटा डाले है ना, कि भी कैसे दो स्टोर थे 57, 135 और अभी 324 स्टोर हुए। मैंने सर 2023 का भी डेटा डाल दिया, राइट सर, राइट राइट। तो अभी यहाँ पे 2023 42,000 करोड़ का टर्नओवर, और 2012 से मैंने डेटा लिया हुआ है। आपने कब से लिया हुआ है? आपने 2016 से लिया हुआ है। तो ये 3 साल के डेटा किधर से मिलेंगे सर? ये इन्वेस्टर रिलेशन में तो देखा था मैंने, नहीं मिला मेरे को। नहीं, आप एनुअल रिपोर्ट में देखो मिल जाएगा, या तो फिर जब इनका आईपीओ आया था तो उसके आरएचपी में देख लेने का। आरएचपी में देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ, मैं तो क्या है, ये डीमार्ट जब से आईपीओ आया तब से इसको मैं ऐसे एक एक साल एड करते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं भी भूल गया कि एनुअल रिपोर्ट में से लिया था कि आरएचपी में से, राइट। पर आपको मिल जाएगा दोनों में से कोई एक जगह, राइट, ठीक है। हाँ, तो ये डेटा मैं एक बार आपके अंदर भी डालता हूँ यहाँ पे नीचे कहीं पे, ताकि आप इनको आप ले सकते, बराबर सर, आप इनको ले लेना, ठीक है। अभी मैं आपके डेटा पे आ जाता हूँ सर। ग्रोथ इनका 8,000 करोड़ से 30,000 करोड़। जब इनका आईपीओ आया, जनरली हम लोग आईपीओ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते सर, ऐसा नहीं है कि जो आईपीओ आया, मैं आई थिंक लास्ट 2 साल के ही इन्होंने दिए थे शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। अच्छा, तो एनुअल रिपोर्ट से ले लेना, एनुअल रिपोर्ट में होंगे, राइट। आईएस आपने देखो प्री आईपीओ 2 साल लिए हुए, सही बात है, तो फिर आईपीओ में यही दिया होगा, पर एनुअल रिपोर्ट में ये लोग एक हिस्ट्री देते हैं, वो हिस्ट्री में आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा, राइट। अगर आपने देखा कि धंधा बढ़ रहा था, सेल्स ग्रोथ है, तो जब आईपीओ आया, मैंने आपको बताया कि हम लोग जनरली आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि आईपीओ तो हर साल 50 आएंगे, हम 50 कंपनी थोड़ी ना लेंगे, हमें तो लीडर चाहिए, स्ट्रांग कंपनी चाहिए जो एक बार हम खरीदे फिर हमको जिंदगी भर वो पैसा देती जाए, राइट। तो जब इनका आईपीओ आया, उससे पहले सर प्री डीमार्ट आईपीओ कोई कंपनी डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं थी जो अच्छी हो, मतलब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो कंप्लीट डेट फ्री हो, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती हो, जिनके मार्जिन अच्छे हो। देयर वाज नॉट अ सिंगल कंपनी, शॉपर स्टॉप और ये सब पुरानी कंपनी है, पर इतनी क्वालिटी नहीं थी। तो मतलब डिपार्टमेंट स्टोर में एक गैप थी, गैप बोलते इसको, राइट, अपॉर्चुनिटी गैप, कि ये सेक्टर बड़ा प्यारा है, जबरदस्त ग्रोथ इसको करना ही था, पर देयर वर नो कंपनीज। तो जब आईपीओ आया तब हमको इंटरेस्ट हुआ कि चलो यार एक अपॉर्चुनिटी आई, घटिया से अच्छे सेक्टर में घटिया कंपनियां है, एक कंपनी अपने को मिली जो कम से कम अच्छी है। हमने देखा ग्रोथ कर रहे थे ये बहुत अच्छा, राइट, सेल्स ग्रोथ अच्छा था, प्रॉफिट कंसिस्टेंट था, जो किसका नहीं था सर, ना फ्यूचर ग्रुप का था, ना शॉपर स्टॉप का था। तो हमको यहाँ पे दो चीज मिली, ग्रोथ मिला और क्या मिला सर, ये प्रॉफिट, राइट। ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, तो ज्यादातर कंपनियां कैसी होती है, लो मार्जिन वाली होती है और ज्यादातर तो लॉस करती है, पर ये कंपनी वो समय पे भी प्रॉफिट करती थी, तो और इंटरेस्ट आया कि चलो यार ये ऐसे ये समय पे प्रॉफिट कर रही है तो कल तो इनके और बढ़िया टाइम आएगा, राइट। तो इन डेटा के आधार पे हमने भरोसा रख के आईपीओ में सन्निवेश किया, उम्मीद क्या रखा होगा कि यार ये धंधा बढ़े, प्रॉफिट बढ़े तो अपना काम हो जाएगा, बिल्कुल, राइट। और देखो क्या हुआ, यही 15,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल तक 31,000 करोड़, मतलब डबल हो गया सर 4 साल में, राइट। और लेटेस्ट डेटा में लाऊ तो 43,000 करोड़, 43,15, मतलब 3 गुना 5 साल में, अच्छा ग्रोथ है सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया ग्रोथ सर। ये हम कह सकते 23% कगार से इनके धंधे बढ़े, ये इसलिए बढ़े क्योंकि इनके स्टोर बढ़े, राइट, इनके स्टोर बढ़े, ये हर क्वार्टर में नए नए स्टोर खोलते रहते, राइट। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये जो है थोड़ा सा रीजनल प्लेयर नहीं है डीमार्ट, नहीं सर, कैसे रीजनल प्रेजेंस इसका जो है साउथ साइड पे ज्यादा है, नॉर्थ साइड पे तो मेरे ख्याल से ज्यादा खुला भी नहीं है कुछ। देखो कैसा है, मैं आपको इसका प्रेजेंस बताता हूँ। जब ये एक स्टोर था ना तो खाली बंबई में थे, फिर महाराष्ट्र और गुजरात में हुए, और धीमे धीमे ये पूरे
भारत में फैलते जा रहे हैं। लेट मी शो यू, मैं इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी कंपनी के रिजल्ट जब देखो तो उसके साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखने का। राइट, देखो ये अभी रिजल्ट आया इनका 13 तारीख, 3 दिन पहले, तो उन्होंने अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दिया था इधर। राइट, इसको क्लिक करके जो हम हमेशा रिजल्ट के साथ इसको चेक करते हैं। मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बता देता हूँ। देखो बहुत लोगों को डर है कि ई कॉमर्स की वजह से धीमे धीमे ये स्टोर बंद हो जाएंगे। राइट, वो गलत बात है, क्योंकि ई कॉमर्स में ये सब बिकता है। राइट, ये सारी प्रोडक्ट ई कॉमर्स में बिकती है, जो इनका 23% ही धंधा है। इनका मेन धंधा है इसमें ग्रोसरीज, डेयरीज, स्टेपल्स, फ्रोजन प्रोडक्ट, स्नैक्स, ये सारी चीजें ई कॉमर्स पे नहीं होती है। तो 56% टर्नओवर इनको इधर से मिलता है, जो इनको सिक्योर रखता है। इसीलिए ये सारे जो स्टोर है वो ज्यादातर इन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, फूड आइटम पे, क्योंकि ये ई कॉमर्स में लेट आएगी। राइट, तो हम डिपार्टमेंट स्टोर के ग्रोथ जरूर उम्मीद करेंगे। और ये देखो सर, इनका ग्रोथ देखो, क्लस्टर बेस इन्होंने कैसे किया। 2011-12 में इतने स्टोर थे, 55 स्टोर्स, 15-16, ये बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में सर। अब तो आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, क्या नॉर्थ वेस्ट साउथ, अभी क्या बाकी सर, खाली इतना एरिया बाकी है। बिल्कुल राइट, जब हमने इन्वेस्ट किया तब इतना ही था, लेकिन हम लोग इनके रेगुलरली प्रेजेंटेशन देखते थे, तो इनका कहना होता था कि हम हर साल एवरी ईयर 50 स्टोर नए खोलेंगे। राइट, तो 50 स्टोर नए खोलेंगे, धीमे धीमे इंडिया को कवर करेंगे, और देखो इन्होंने जो बोला वो किया। राइट, तो मतलब हम ट्रस्ट रख सकते हैं, ये ट्रस्टेबल कंपनी है, ये धीमे धीमे पूरा इंडिया कवर करेगा। राइट, ये क्लस्टर बेस इसलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में सर कुछ क्लस्टर होते हैं, तो क्लस्टर में बहुत पैसा है। राइट, समझ रहे हो सर, यहाँ पे देखो सिटी के नाम लिखे हैं, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सब सिटी है सर। राइट, ये सिटी नहीं है, ये पूरा एक क्लस्टर होता है। पुणे है तो पुणे के इर्द गिर्द एक पूरा क्लस्टर होता है, और ये पूरा क्लस्टर का जीडीपी पर कैपिटा हाई होता है, हाई इनकम वाला एरिया। तो इन्होंने जो भी सिटी आप देखोगे कवर वही किए होंगे जिनकी इनकम होगी। अभी इन्होंने लो इनकम वाला एरिया कवर नहीं किया है। राइट, वो भी करेंगे धीमे धीमे, पर अपने को आगे बढ़ने के लिए पहले किधर जाना पड़ेगा, जिधर पैसा है, रिच क्लस्टर। राइट, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहे। राइट, और ये धीमे धीमे आप पूरा ग्रीन देखोगे यहाँ। ऑलराइट सर, राइट, तो थोड़ा ये देख लेना ताकि और आइडिया आ जाए कैसे ये लोग स्टोर बढ़ा रहे एवरी ईयर। राइट, मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ और हम वापस आ गए यहाँ पे फेयर वैल्यूएशंस। धंधे हमारे चलो 40,000 करोड़ बढ़ गए, प्रॉफिट जो 60 करोड़ थे वो कहाँ आ गए सर, 2000 करोड़। जब आईपीओ आया तब हमने कितने प्रॉफिट देखे थे, 700 करोड़। तो हमने उम्मीद रखी थी कि चलो प्रॉफिट बढ़ेंगे, सर करीबन 3 गुना प्रॉफिट बढ़े। यस, तो वी आर हैप्पी, और इसीलिए इनके दाम बढ़े। राइट, इनके दाम हम देख सकते हैं पिछले 5 साल में अगर 23% से धंधे बढ़े, क्योंकि 16% से स्टोर बढ़े, 25% से प्रॉफिट बढ़ा, इसीलिए इनके दाम कितने परसेंटेज से बढ़े सर, अराउंड 30%। हम कह सकते 30% कगार से हमारे दाम बढ़े, 5 गुना ये 4-1 साल में हो गया। राइट, सो वी आर हैप्पी। अब हम फ्यूचर में क्या उम्मीद रख रहे हैं। राइट, तो देखो आपने कितना उम्मीद किया है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सर कितना उम्मीद कर रहे हो, 38%, ये सर बहुत ज्यादा है। राइट, ये ज्यादा इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी मैंने आपको चार्ट बताया कि पूरा इंडिया ये लोग कवर करते जा रहे हैं, तो अभी ये लोग स्टोर पे स्टोर ओपन करते जाएंगे। राइट, ये है ऑर्गेनिक ग्रोथ, सॉरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हाँ, वो तो सही है, बट हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं था, तो इसलिए ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए इसके लिए। बराबर है, बट देखो इतना डेटा ने हमको ये तो बताया कि ग्रोथ अच्छा है। राइट, फिर क्या करने का पता है, कंजर्वेटिव हो जाने का। राइट, आप नियर टर्म में मतलब आने वाले 5-1 साल आप 25% ग्रोथ उम्मीद करो, कितना 25% कंजर्वेटिव है, क्योंकि इनका ग्रोथ ही 40-40% है। तो मैं यहाँ पे अभी 25% कर देता हूँ, सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस सब कुछ हो गया। हम 25% का ग्रोथ उम्मीद करेंगे, और 2035 में और थोड़ा कम करके यहाँ पे मैं 20% कर देता हूँ, बिल्कुल कंजर्वेटिव कर देता हूँ। राइट, मुझे ऐसा नहीं है कि इसको लो एस्टिमेट करना है, पर कंजर्वेटिव रहना है, मैं गलत होऊंगा तो चलेगा, ये ज्यादा ग्रोथ करेगा तो भी चलेगा, बढ़िया, पर हमने उम्मीद किया है उससे कम नहीं करना है, नहीं तो अपना प्लानिंग बिगड़ेगा सर। राइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इमर्जिंग सेक्टर है तो हमने 25% का ग्रोथ लॉन्ग टर्म उम्मीद किया है, और दूर हमने 20% कर दी। सो दिस इज द वे आप इमर्जिंग कंपनीज को एस्टिमेट कर सकते हो। राइट सर, ठीक है, ओके। तो ये आपका डीमार्ट।